आकर्षण, प्रभावित होना, ये नवागत ने कहा जो साधनों को यूज करते हैं, साधन और साधना, तो साधनों को यूज करते हुए भी साधन मर्च रहे और साधना इमर्च रहे। किसी पद साधन, फिर वो पद पोजीशन स्टेटस सब आ गया, देह संबंधी सब, तो इनको यूज कर रहे हैं। ये ना देखे ये इतने बड़े घर के हैं, ये ना देखे ये धनवान है या ये गरीब है, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, साधना दिखनी चाहिए। तो साधनों को यूज कर रहे हैं लेकिन वो मर्ज रूप में है। इमर्ज रूप में मैं बाबा की बच्ची, जो बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं, सम्मान दिए हैं, विश्व राज्य अधिकारी के समान दिए, ये मर्ज रूप में रहे। ये बाबा ने विशेष आज इस बात पर ध्यान खिंचवाया। हम सुनते हैं आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब क्या होना है, यह सब खत्म हो जाना है, यह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य चाहिए, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य चाहिए। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। अब जो नई दुनिया बाबा हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं, अब वहां की तरफ बुद्धि जाए, उस दुनिया के बारे में सोचो। वैसे भी पुराना मकान से नए मकान में शिफ्ट करते हैं तो आप ही पुराने से डिटैच होते जाते हैं, नए की तरफ बुद्धि जाती होती है। तो बाबा कहते हैं बाबा तुम्हारे लिए अभी नई दुनिया बना रहे। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा गुहे रहस्य समाया हुआ है? तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? शांति और आत्मा का सातों गुण है हमारे अंदर ना। हाँ, आत्मा के सातों गुण और कौन सा कोई रहस्य समाया हुआ है? हमारी साइलेंस से तो नई दुनिया बना रहे, पुराने का विनाश कर। साइलेंस से ही हम नई दुनिया बना रहे हैं, साइलेंस की दुनिया से आए हैं। चलो, बाबा ने कहा आंसर है, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना, और जीते जी मरना किसे कहा जाता है? जो जिंदा भी और मरा हुआ भी है, जीते जी मरना, पुरानी दुनिया से मर चुके हैं और नई दुनिया के लिए जी रहे हैं, जिंदा भी है मरे हुए भी है। तो साइलेंस माना जीते जी मरना, साइलेंस माना फुल स्टॉप। यहां बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहकर क्या करते हो? अपने विकर्मों को दग्ध करते हो, विकर्म विनाश करते हो। आवाज में रहकर विकर्म विनाश नहीं होते, साइलेंस में रहकर तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब समय है विकर्मों को विनाश करने का, घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं लेकिन उन्हें
शांति धाम का ज्ञान नहीं है। और जो और अदर अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है शांति में बिठाती है, शांति का अभ्यास भी होगा लेकिन शांति धाम का ज्ञान नहीं है। और ये भी ज्ञान नहीं है कि इसके बाद सत्युग में जाना है। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम जो यहाँ साधना कर रहे हैं सत्युग में जाने के लिए, और वो साधना करते हैं सिर्फ मुक्ति तक जाने के लिए। अंतर है ना। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ब्रह्मा कुमारी इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। मेन प्रोडक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, और उनका मेन प्रोडक्ट है शांति मिल जाए बस, आनंद मिल जाए बस। ये शांति और आनंद खुशी प्रेम ये हमारा क्या है, बाय प्रोडक्ट है। ये तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारा मेन प्रोडक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। मनुष्य से देवता हम बन रहे हैं, उनके यहाँ मेन प्रोडक्ट बस शांति मिल जाए या मनुष्य ही अच्छे रूप में बन जाए, लेकिन हम देवता बन रहे हैं। वो कल्चर, वो संस्कृति, एक मत, एक राज्य, एक भाषा, ये कल्चर बाबा भी हमें सिखा रहा है। उनके यहाँ पे ये नहीं है एक मत, एक राज्य, एक भाषा। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लगे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को बाबा मतलब पिता, श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। भारतवासियों को मालूम है एक पिता दो होते हैं, एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। इसलिए कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो पारलौकिक। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, लौकिक को परम पिता नहीं कह सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, पारलौकिक पार पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं, अर्थात अपने बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा के बच्चे बन गए, टाइटल भी मिल गया पारलौकिक बाप। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हैं। मुक्ति धाम जहां आत्मा मुक्ति के स्टेज में है, निर्वाण धाम जहां पर कोई भी वाणी नहीं है, आवाज नहीं है, और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्यों कहा, वाणी से पढ़ा वानप्रस्थ। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहां बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठाते हैं, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान नहीं है। शांति में बैठाते हैं लेकिन परम धाम शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ अब घर जाना है, वैराग्य। इस पुराने शरीर को छोड़ अब घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है। रिटर्न सर्टिफिकेट है क्या इस समय होगा, किसी का भी नहीं रिटर्न सर्टिफिकेट। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा जो पढ़ाते हैं वह अच्छी तरह पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। या एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते कि पिता के रूप में भी टीचर, सदगुरु के रूप में भी करे, नहीं। या एक बाप बच्चों को साइलेंस भी सिखलाते हैं, जीते जी मरने को ही साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है,
जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं, तब तक वापस घर जा ना सके। इसलिए दुनिया वालों ने गीत भी बनाया ना, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे। तो कौन सी चुनरी में दाग लगा है? आत्मा रूपी चुनरी में दाग लगा ना, तो आत्मा रूपी चुनरी में दाग लगा तो घर जा नहीं सकते। साफ करेंगे तभी तो जाएंगे, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र स्थान। तो बाबा कहते हैं, जब तब तक वापस घर कोई जा ना सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती है। फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। यदि सजाएं खा के आगे पवित्र बने तो पद भी भ्रष्ट हो जाता है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से खाते। मानी मतलब रोटी, मोचरा मतलब सजाए। सजा खा के किसी को रोटी मिले, सम्मान मिले, तो क्या मतलब। बाबा हमें पास विद ऑनर बनने की शिक्षा देते हैं, कि कैसे आप पास विद ऑनर, इस पढ़ाई से, योग से पास विद ऑनर बन सकते हैं। बाप आते ही है माया पर जीत पहना नहीं, परंतु गफलत से बच्चे बाप को याद नहीं करते, गफलत करते, अपने आप को धोखा देते। कल भी था ना मुरली में, बाहरी साधनों से यदि खुशी मिल रही है तो मतलब अपने आप को धोखा देना है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते हैं उनको जानते ही नहीं है। बाप आकर अभी तुमको भटकने से छुड़ा देते हैं। सब छूट गए ना भटकने से, या अभी भी सर्चिंग है? गूगल पर सर्च तो नहीं करते अभी भी कि किसी देवता के बारे में, किसी भगवान के बारे में? समझ गए ना, अभी तो यही यही एक रास्ता है। तो बाबा कहते हैं, अभी भटकने से छूट गए हैं। समझाया जाता है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात द्वापर कलयुग, जहां पे समझ नहीं है, अंधियारा है। ज्ञान इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो सूरज जब प्रकट होता है तो अंधकार चला जाता है। अब प्रकाश, ये भी कहते हैं, नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट। ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान समझ है, ज्ञान अंडरस्टैंडिंग है। अब आप जब फर्स्ट डे आए थे तब क्या ज्ञान था, और आज बहुत सारी चीजें ज्ञान के आधार पर ठीक कर ली। तो बाबा कहते हैं, कलयुग में है अंधियारा, जहां भटकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात कहा जाता है, यह बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। शिव स्पिरिचुअल मीनिंग प्रकाश, और रात्रि अंधकार। शिव का अर्थ प्रकाश और रात्रि अंधकार, तो दोनों ही अपोजिट शब्द साथ में मिल रहे हैं। तो शिव बाबा संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य यह नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता है, क्योंकि यह है बीच, संगम बीच। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और पुरानी और नई दुनिया का बीच का संगम, पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच का संगम।
बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि हर युग में आते, सत्युग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी। नहीं, उन्होंने तो भक्ति मार्ग में कितने 24 अवतार बताए, भगवान के 24 अवतार बताए। अच्छा ठीक है, उनके अनुसार मान ले 24 बार भगवान का अवतरण हुआ है, तब तो ये दुनिया सत्युग ही बनी रहनी चाहिए ना। क्यों सत्युग से त्रेता हुई फिर द्वापर कलयुग हुई? जब भगवान का आना मतलब क्या, जो बिगड़ रहा है उसको ठीक करना। बाबा कहते हैं शिव बाबा कब आते हैं? एक ही बार आते हैं, कलयुग के अंतिम समय में। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे, इसको योग पत्नी कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का मुख्य धर्म क्या है? ब्राह्मणों ब्राह्मणों का मुख्य धर्म क्या है? जो कहा गया वो मानना, क्योंकि डायरेक्ट उसके है ना। ब्राह्मण मतलब सगे बच्चे, और अटैच है, साइड है, लगे हैं। ब्राह्मण मतलब सगे बच्चे, तो बाबा ऊपर की लाइन थी ना, बाबा को याद करो क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। तो बाबा कहते हैं तुम सब ब्राह्मण हो, योग सीखते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते, शादी वगैरह कराते, काम चिता पर चढ़ाते। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। ग्रेटर नोएडा P3 सेंटर नया नया खुला था 2011 में। तो शुरू शुरू में वहां पे ग्रेटर नोएडा में उस समय इतने ज्यादा मकान भी नहीं थे, P3 तो बहुत ही कम डेवलप था, बहुत ही कम मकान थे। मतलब लोग आ रहे थे, लोगों के मकान बन रहे थे। तो शुरू शुरू में ORC के 2 भाई और 2 बहनें थी वहां। तो एक बहन आई ढूंढते ढूंढते, पंडित जी चाहिए तो उसको अपने मकान का उद्घाटन कराना था। तो उसने देखा कि ये लोग प्रदर्शनी समझाते और व्हाइट ड्रेस है, शायद ये पंडित जी हो, क्योंकि तो वहां पे उस समय कोई पंडित नहीं था। तो पूछा रूपलाल भाई को कि ब्राह्मण आप ब्राह्मण है? हाँ ब्राह्मण। आप हमारे मकान उद्घाटन करा सकते हो? हाँ जरूर। तो अखिलेश भाई भी थे और रूपलाल भाई भी थे। अखिलेश भाई ORC के पास सिद्धरावली है, वहां संभालते हैं। तो दोनों जन गए और बढ़िया धोती कुर्ता पहन के, बिल्कुल ब्राह्मणों का रूप लेके। और अखिलेश भाई तो लौकिक में पंडित ही थे, अखिलेश भाई जो ORC में, लौकिक में पंडित ही थे। और बढ़िया ऐसा ही उन्होंने रखा कि वो ब्राह्मण है और बाबा का ज्ञान सुना के आ गए। हाँ उद्घाटन किया जो भी उनका होता है, लेकिन ज्ञान सुनाया बाबा का, क्योंकि सच्चा सच्चा ज्ञान तो यही है ना उनको। अच्छा वो जो ब्राह्मण बोलते हैं उनको पता चलता है क्या बोल रहे हैं? वो तो श्लोक ऐसा बोलते हैं समझ ही नहीं आता। इन्होंने तो ज्ञान सुनाया बाबा का, खुश हो। तो ऐसे भी सेवा हुई है शुरू शुरू में। तो बाबा कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा ही अभी नई दुनिया आने वाली है। इसलिए कोई भी उद्घाटन कराते हैं ब्राह्मणों को ही तो बुलाते हैं। तो अभी हम ब्राह्मण बैठे हुए इतने सारे शुभ। अच्छा तो बाबा कहते हैं यह हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है, बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण धारण करना भी है और कराना भी है, प्रजा भी तो बनानी पड़े ना, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है।
तो सभी है, पतित तो इस समय सभी है। क्या कोई पावन है इस समय? नहीं, सभी है। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं तब ड्रामा के प्लान अनुसार तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अलग समझाते हैं, मुझे याद करो, तुम कहते हो ना वह पतित पावन है, रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं। हे भगवान हे बाबा कहते हैं, परंतु उस हे भगवान का परिचय किसी को भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वह है नरक वासी। तुम नरक वासी हो, तुम नरक वासी हो? नहीं, तुम हो संगम वासी, तुम नरक वासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं और की कमाई सारी चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया, वह है वाइसनेस दुनिया, नई दुनिया जहां देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वह पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का कितना बेहद का वर्षा बाबा में दे रहे। सत्युग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। शास्त्रों में तो बता दिया कि शुरू से ही सुख और दुख रहा है। हिरण्याकश्यप को सत्युग में बताते हैं ना, प्रहलाद हिरण्याकश्यप ये सब सत्युग में बताते हैं। उन्होंने कहा सुख और दुख सृष्टि पर शुरू से ही चला आ रहा है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आधा कल्प सत्युग त्रेता युग, आधा कल्प द्वापर कल्प। सत्युग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। त्रेता है सिंह, क्योंकि दो कला कम हो जाती है, कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है, अर्थात आत्मा की पवित्रता घटती जाती है। आखरीन बारीक लकीर जाकर रह जाती है, नील नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो इमोर्टल है, अविनाशी है, नील नहीं होता है। तुम्हारा भी ऐसे नील नहीं होता। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब यहाँ पे ज्ञान भी कह रहे, जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं इसलिए कहते हैं ना, प्राय लोप हो जाता है, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं होता। अच्छा, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? आत्मा और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? मिलन मनाने के लिए। वह मेले तो मेले होने के लिए, वह मेले तो मेले होने के लिए, मतलब अज्ञान है ना, सोच रहे कि हाँ गंगा जी में नहाया पाप धुल गए, अब यही अपने आप में मेरे तो पाप धुल गए। अच्छा, पाप करेंगे गंगा जी में जाके नहा लेंगे, तो और ही ज्यादा मैले होते गए। लेकिन जब ये है कि इस नदियों में नहाने से कोई पाप नहीं धुलने वाले, तो पाप धुलने के लिए फिर दूसरी रीति से प्रयास करेंगे। तो बाबा कहते हैं वह मेले तो और ही मैले होने के लिए है। शरीर भी तो, और आजकल तो बहुत ही ये नेवर एंडिंग ट्रेडिशन रहेगा, आज तक कोई खत्म नहीं कर पाएगा। जो भी हो।
इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो, बन रहे ना, कांटे से फूल बन रहे हो। पहले कैसा नेचर था समझ में आता है, और अब सुख देने वाला नेचर, सुखदाई नेचर, फूल बन रहे हो, पवित्र बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से बनते हो। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान, जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। आखिर रावण राज्य भी 2,500 साल होता है, रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं कि माया बड़ी बलवान है, बड़ी दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं और माया हमारी याद भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते और माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों के युद्ध दिखाई है परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, अब बाप को याद करने से तुम देवता बनते हो ना। हमारा प्रदर्शनी में वो चित्र भी है कि असुर हैं, पांच विकार हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना है। देखा, टीचर्स शक्ति सेना है। बाबा कहते वास्तव में हमारी लड़ाई किससे है? पांच विकारों से है। तो उन्होंने वो महाभारत लड़ाई दिखा दी। बाप को याद करने से तुम देवता बनते हो। माया याद में ही विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से फिर माया का थप्पड़ लग जाता है। बॉडी कॉन्शियस आया, विकार हुए ना, तो माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो फिर भी बनते नहीं। बाबा रोज रोज समझाते हैं फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्मा ही श्याम बनती है, आत्मा ही सुंदर बनती है। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था श्री कृष्ण। सुंदरता में नंबर वन या पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं। तो नाम रखा है श्याम और सुंदर। आत्मा ही श्याम, आत्मा ही सुंदर। श्री कृष्ण का नाम श्याम सुंदर क्यों पड़ा? क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा सत्युग में सुंदर पवित्र, और वही आत्मा जन्म लेते लेते द्वापर कलयुग में श्याम बन जाती है। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, इसलिए क्या टाइटल देते बाबा को? सत्यम शिवम सुंदरम, एवर सुंदर। वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है ना। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान उवाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है।
वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है, वंदे मातरम है तो जरूर पिता भी होगा। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, इसलिए कहते हैं पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, लक्ष्मी नारायण। यहाँ फिर पहले मिस्टर फिर मिसेज कलयुग में, लेकिन अभी तो चेंज हो गया ना, लेडीज फर्स्ट। वो ब्रह्मा कुमारियों को देख के शायद चेंज किया, ऐसे लेडीज फर्स्ट। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, वो एक न्यूज़पेपर में आया था कि जो जितने भी धर्म के उच्च पद हैं वो सभी पुरुषों के ही है, चाहे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, उसमें किसी भी लेडी को कोई उपाधि नहीं दी गई है, मेल को ही दिया गया है। चाहे अलग अलग धर्मों में भी, मॉर्मन्स में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, मेल को ही। तो कुछ लोगों ने ऐसे मीटिंग की कि लेडीज को भी, बहनों को भी कोई उपाधि दी जाए। क्या उपाधि सोचा? पर्वताचार्य। ये पर्वताचार्य पर्वताचार्य। अच्छा, तो कुछ लोग सहमत थे, कुछ साधु संत इसके अपोजिशन में थे, नहीं उनको कोई उपाधि नहीं मिलना चाहिए। तो अच्छा, जिस दिन उपाधि मिलने वाली थी, जिस बहन को उपाधि मिलने वाली थी, तो अपोजिशन वालों ने कहा यदि उपाधि दी गई तो हम निर्वस्त्र हो जाएंगे। अपोजिशन वालों ने कहा यदि बहन को उपाधि दी गई तो हम निर्वस्त्र हो जाएंगे। तो जब उस बहन ने सुना, उसने कहा हमें ऐसी उपाधि नहीं चाहिए, समाज में कल्याण बना रहे, सही रीति से चलता रहे, यही ठीक है। तो देखो, इसलिए तो बाबा मैं माताओं बहनों को आगे रखता है। तो नीचे ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। तो बाबा कहते हैं वंदे मातरम का पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, यहाँ फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेज कहते हैं। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप और दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को बच्चे याद करते हैं। बाबा आप आएंगे, हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। याद है ऐसा? बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे। या किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना, जैसे जैसे कर्म करती है वैसे वैसे जन्म लेती है, वैसे वैसा जैसी आत्मा वैसा फर्नीचर। आप देखो, ये साइंस में भी बताते कि जब 3-4 महीने वूम के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, तब जब उस समय प्रवेश करती है तब बॉडी स्ट्रक्चर निर्माण होता है, ऐसे ही ना, है ना, उसी आधार पे होता है। जैसे ही आत्मा, उस अनुसार बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। फिर जब बाहर आते हैं तो उसी हिसाब से बच्चे को बीमारी या जो भी है। तो यहाँ पे बाबा जो निरोगी बना रहा है, किसको बना रहा है? आत्मा को। तो आत्मा ऐसी निरोगी अभी बन जाती है, जो वो नया शरीर लेती है तो एकदम संपूर्ण निरोगी होता है, पावन होता है। जैसे होता है ना, बीज पर काम करना, जड़ पर काम करना, जड़ ही ठीक है तो उसका जो नया प्रोडक्ट क्रिएट होगा वो भी ठीक ही होगा। तो यहाँ हम जितना यहाँ निर्विकारी बनते हैं उतना सत्युग में, सत्युग त्रेता युग में निरोगी बनते। जितना निर्विकारी, 5 विकार मुक्त, उतना सत्युग में त्रेता युग में निरोगी बनते। हालांकि वहां पे तो सभी निरोगी ही होते हैं, लेकिन द्वापर युग से बीमारियां भी कम आनी शुरू होती।
या तो फिर सजाओ से निरोगी बनते, निरोगी तो वहां सभी होते, या तो फिर सजाओ से निरोगी बनते हैं तो फिर वो पद कम हो जाता है। अच्छा तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अभी किसके आगे बैठे हो बता, आज एक नया नाम, तुम बच्चे अभी किसके आगे बैठे हो? शिवाचार्य। और किसके आगे बैठे हो? तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। बाबा ने कहा था ना, एक ही है जो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। तुम विजयी पहनते हो, वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है, मतलब राज मुद्रा, कई राज्यों की होती है ना राज मुद्रा, कोट ऑफ आर्म्स। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है, यह राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो इसका अर्थ? वो लोग तो सही रीति से जानते नहीं ना, तीन शेर दिखाए वास्तव में चार होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी ये है, तुम्हारा त्रिमूर्ति है ना। तो बाबा कहते हैं तुम ही इसके रहस्य को जानते हो, वो लोग नहीं जानते। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, फिर देवी देवता बनाते हैं, फिर विनाश तो होना ही, तीनों चीजें आ गई, ब्रह्मा पालना, स्थापना, विनाश। फिर विनाश तो होना ही है, दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलिटीज भी मदद करती है विनाश में। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मूसल नहीं निकले, यह साइंस निकली है जिससे सारे कुल को ही खत्म कर देते हैं यादव वंशी, है ना, जिससे अपने सारे कुल को ही खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है, ऊंचते ऊंच है एक शिव बाबा, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती। ये द्वापर युग से बात बाबा बता रहे हैं पूजा, बाकी संगम में थोड़ी ना हम पूजा करते हैं, या तो पूज्य बनते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भले पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। महिमा लायक हो सकते, महिमा लायक हो, पूजन लायक नहीं हो सकते। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र और शरीर भी नया पवित्र मिलता है, इस समय तुम महिमा लायक। वंदे मातरम गाया जाता है, माताओं की सेना ने क्या किया, माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है, या अंडरलाइन वाला शब्द है श्रीमत, श्रीमत पर ज्ञान दिया है, माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है, माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है, यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई है, वह बैठकर सुनाते हैं, तुम सत सत करते रहते हो, तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे, अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे, अभी तो तुम उनकी कहानियों को सुनोगे तो सत सत नहीं कहोगे, पहले सुनते थे तो सत्य वचन महाराज, अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो जो सुना उसको सत सत कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, पारस बुद्धि माना पारसनाथ, नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है, पारसपुरी का नाथ या लक्ष्मी नारायण है। पारसपुरी का नाथ कौन है? पारसपुरी मतलब पवित्र, पारसपुरी का नाथ बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण, उन्हों की डायनेस्टी है। अब मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति
करते गए कि हम नहीं जान सकते। अभी बाबा हमें रचयिता और रचना के ज्ञान की समझ देते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम कौन हो? आस्तिक। माया और रावण नास्तिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्रिया बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा वाह बाबा वाह। हाँ धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट। सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंच कुल है। हमारा सबसे ऊंच कुल है। दुनिया में भी किसी को अपने कुल का नशा होता है, तो उस अनुसार डिसीजन लेते हैं, उस अनुसार उनकी पर्सनैलिटी होती है। भाई हम इस कुल के वाले, इस कुल के हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो बाबा भी कहता हम किस कुल के वो नशा रहे। हमारा सबसे ऊंच कुल है ब्राह्मणों का ऊंच कुल। हमें पवित्र बनना और बनाना है। हमें पवित्र बनना है, बनाना है। ये मुख्य नशा, ये मुख्य कर्तव्य में दिखाई दे। खुद पवित्र बनना है और दूसरों को बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। सेकेंड पॉइंट, याद में कभी गफलत नहीं करना है। याद में कभी गफलत नहीं करना है। गफलत करना मतलब अपने आप को धोखा देना, कर लेंगे, हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो छोड़ के दूसरी अननेसेसरी चीज कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है बाबा को याद करना और फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये है गफलत करना। याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है। इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने। देखो अग्नि ही बाबा ने कहा, योग जल नहीं कहा, योग हवा नहीं का, अग्नि का है। क्यों? क्योंकि क्योंकि अग्नि ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो चीज जाती है फिर वो अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती। आप आटे से रोटी बन गया, अब आप सोचो रोटी को आटा बना रहे, हो सकता है? नहीं हो सकता। सीड को रोस्ट कर दिया, अब सोचो ये सीड ग्रो करे, नहीं हो सकता। तो अग्नि ही एक ऐसा एलिमेंट है, इसलिए बाबा कहते हैं योग अग्नि। अच्छा, अब अग्नि की भी क्या विशेषता है? जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना ही उसको देना पड़ेगा कीटाणु नष्ट करने के लिए। एक बोल में पानी रखा गर्म करने के लिए, थोड़ा गर्म हुआ हीट हो गई उसको तार दिया, फिर थोड़ा गर्म हुआ हीट हो गया तार दिया। क्या उसके पानी के जम्स नष्ट होंगे? नहीं। कब होंगे नष्ट? जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, जितने समय तक चाहिए उतने समय तक कंसिस्टेंसी है।
उसके जम्स नष्ट हो गए। भले हीट तो हो रहा है, गर्माहट हो रहा है, लेकिन जम्स नष्ट नहीं होंगे। उसी तरह से विकर्म विनाश कब होंगे? जितना चाहिए, भले थोड़ा योग लगा, हाँ शांति का अनुभव हुआ, लेकिन विकर्म विनाश, ज्वालामुखी योग, ये योग अग्नि से ही होता है। और इसमें ये अनुभव कम से कम 2 घंटे तो करने ही पड़ते हैं, तब जाके। जैसे कोर्स में भी एग्जाम्पल देते हैं ना, सूरज है और नीचे पेपर है और बीच में लेंस है, कागज कब चलेगा? जब लेंस जो है स्टेबल है, फोकस्ड है, तब वो कागज अच्छा एकदम से भी नहीं जलेगा। पहले हल्का सा स्लेटी होगा, फिर और ब्राउन, फिर और ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर बर्न होगा। अब थोड़ा सा स्लेटी कलर हुआ, हम उसको हटा लें, बर्न होगा? तो ये भी ये है, विकर्म विनाश करना है, जर्म्स को पूरी तरह से नष्ट करना है, तो इसमें निरंतरता का अभ्यास चाहिए। थोड़ा सा ये उपयोग हुआ 15 मिनट 20 मिनट, उसमें कोई भी कर्म विनाश नहीं होते। किसी के होते हो पता नहीं, हमारे तो नहीं होते। कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये तो अभ्यास चाहिए, तब जाके लगेगा कि हाँ विकर्म विनाश। अच्छा तो बाबा कहते हैं योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं वरदान। साधनों की प्रवृत्ति में रहते, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले, बेहद के वैरागी भाव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले, बेहद के वैरागी भव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो, यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज नहीं कर, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है, जो साधन मिले हैं साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बन, यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। साधनों में साधन यूज कर रहे हैं लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। मतलब लोगों को भी ये दिखना चाहिए, ये साधनों को यूज कर रहे हैं लेकिन ये वैरागी है, ये इसमें अटैच नहीं है, ये वैरागी है, ये साधन यूज कर रहे हैं लेकिन साधुओं का भाव मर्ज रूप में है, बाबा की याद इमर्ज रूप में है। अच्छा स्लोगन, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है, उसके सम्मान को याद दिला देना। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अर्थात अपनी शान में स्थित करना, अपनी शान में स्थित करना सेल्फ आइडेंटिटी, उसका जो ट्रू नेचर है वो बताना, वो अवेकन करना, यही सब चीज है। अच्छा अब इशारे पॉइंट, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए।
में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा नहीं है, जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा, और संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। ठीक है, रिवाइज करें। फर्स्ट डे का क्या था? मधुरता एडजस्ट, पावर टू एडजस्ट। सेकेंड डे का मधुरता मधुर। थर्ड डे नेचर नेचर ना, मेरा संस्कार, मेरी ये नेचर है, कैसे चेंज करें। लेकिन नहीं, जो बाप की नेचर वो हमारी नेचर। फोर्थ, सदा हाँ, कल्याणकारी कल्याण की भावना, स्नेही सहयोगी, कल्याण की भावना। फिफ्थ, नॉलेज, नॉलेज सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, नॉलेजफुल है लेकिन सरलता है, ये बात ने का। सिक्स, स्तुति के आधार पर स्थिति होनी हाँ, चाहिए, किनारे मालिकपन, मालिकपन और बालकपन। स्तुति के आधार पर आपकी स्थिति नहीं होना चाहिए, स्थिति हमारे कंट्रोल में है। करता है उसके हाँ, सेवेंथ, बारे हाँ सेवेंथ, हाँ, जो स्तुति करता है वो पर। फ्रेंड बन जाएंगे। हाँ, ये भी बात है दुनिया में, जो आपकी प्रशंसा करता है, आपके बाद स्तुति करता है, उसके फ्रेंड बन जाएंगे, और जो आपको नेगेटिव, हाँ, सच्चाई भी, हाँ, ये भी, तो उसके दोस्त कम बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। यही तो विश्व महाराजा की मेन पावर होती है ना, बुद्धि। इसी को तो पारस बुद्धि कहते हैं, किसी को तो पारस बुद्धि कहते हैं। कोई निंदा करे, स्तुति करे, बुराई करे, उनके आधार पर मेरा डिसीजन नहीं हो, जो राइट है उस आधार पर डिसीजन, यही पारस बुद्धि। अच्छा, सेवेंथ, हाँ, बालक और मानिकपन का बैलेंस। ठीक है, एट्थ, सच्चाई और सफाई, जो सच, हाँ, अंदर किसी भी तरह का कचरा नहीं हो, तो जो सच्चाई सफाई है तो प्रभु के प्यारे हैं और दैवी परिवार के प्यारे हैं। प्रभु के प्यारे, दैवी परिवार के प्यारे, तो अपने आप ही संस्कारों की टक्कर से बच जाएंगे। अच्छा, हम शांति।